के जाऊंगा आपका, याद रखना। चुप रहो, मुंह पर। ओपन चैलेंज है बबन। साले बंजर तू था भी ना, लेकिन तू यहाँ पे एकदम घटिया है। हट, अबे तू है तू। ये कोई कॉमेडी है क्या, किसी का मजाक उड़ाना? बिग बॉस एक ऐसा शो जिसको लोग साल दर साल लगातार देखते हैं। टीवी पर अलग और ओटीटी पर अलग अलग दिखाया जाता है। बिग बॉस आखिर बुली लोगों को क्यों बुलाता है? किसी का बाप का लेके निखारा, तो सोचते हैं उंगली दिखा रहे हैं, उंगली हाथ जेब में दे दूंगा। क्या इनके पीछे बिग बॉस का होस्टर है जिसे कुछ लोग खुद को एक और बुली बुलाते हैं? वाह यार, सभी दे रहे हैं। या फिर इसका रीजन पैसा है? राजीव ने कहा तुमसे, डू नॉट क्रॉस द लाइन, इसका मतलब यू आर क्रॉसिंग द लाइन, यू आर बुली। या फिर इसका रीजन आप सब लोग? तो भाई अगर बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा क्या? यह बात रजत दलाल के ऊपर पूरी की पूरी बैठती है। वो यूट्यूबर भी है, पावर लिफ्टर भी है, और कई प्रतियोगिता के अंदर उन्होंने भारत को 14 मेडल जीत कर भी दिलाए हैं। रजत के दोस्त उसे हल्क, गोलू या रज्जो के नाम से बुलाते हैं। तो आपने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं? जी सर। तब कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे आपकी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, आपका नाम होना शुरू हो गया। और जहाँ तक रही रजत दलाल के बदलने की बात, तो भाई बिग बॉस को देखने के बाद ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कुछ बदलाव आया है ये भी नहीं कहा जा सकता। वहाँ जाकर भी इन्होंने रायता ही फैलाया है। साहद पांडे का वॉशरूम इस्तेमाल करने के अनुरोध के बाद रजत दलाल, विवियन डिसूजा, इनके बीच के अंदर तीखी नोकझोंक देखी गई थी। और बहस के दौरान ही रजत ने गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त किया, विवियन को हाथ तोड़ने की भी धमकी दे डाली थी। मुझे नहाना है। रजत, वॉशरूम यूज करना चाहते हो? यस यार, मुझे सूसू लग रही है। मैं अंदर पहले आया हूँ। जब मैं आपको कंट्रोल एंड पावर देता हूँ। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, मेरे को उंगली मत दिखाना विवियन, मैं उंगली नहीं छीलने वाला, उंगली हाथ तोड़ के जेब में दे दूंगा। बिग बॉस के अंदर ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है। सीजन 4 जिसके अंदर आई थी डोली बिंद्रा, जिन्होंने वहाँ पर काफी लड़ाइयां की थी। मल्लार के अंदर इन्हीं की पड़ोसी के द्वारा इन पर गाली गलौज करना और उन्हीं के घर के अंदर घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। 2015 के अंदर डोली बिंद्रा राधे माँ की भक्त बन जाती है, और कुछ समय बाद डोली बिंद्रा ने राधे माँ के ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे और बहुत ज्यादा सुर्खियां भी बटेरी थी। 2019 में डोली बिंद्रा ने खारा के एक जिम कर्मचारी को बंधक बनाकर धमकाया गया था। ऐसी खबरें आती थी कि इनके अक्सर झगड़े श्वेता तिवारी या फिर मनोज तिवारी के साथ होते थे। इसके अलावा स्वामी ओम, जिनका रियल नाम था विनोद झा, इस बंदे के भी पिछले और बाद के जीवन में बहुत सारे कांड किए गए थे। स्वामी ओम का एक भाई था जिसकी एक दुकान थी, उसने आरोप लगाया था कि स्वामी ओम ने उसकी दुकान से 11 साइकिल और कुछ महंगे पार्ट्स को चुराया है। घर के कागजात भी चुराने के आरोप लगे हुए हैं। स्वामी ओम तो एक बार वकीलों के साथ भी भिड़ चुका है। ये इतना बड़ा पागल आदमी था, 2011 में हिंदू महासभा के अंदर शामिल होने के बाद खुद को संजय गांधी का खास आदमी बताने लगा था। बिग बॉस के अंदर भी यह आदमी अपने आप को भगवान बताता था। उत्तर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस व्यक्ति ने बिग बॉस के अंदर कहा था कि भगवान शिव ने यह भूकंप इसीलिए लाया है क्योंकि उनके भक्त स्वामी ओम के साथ बिग बॉस के अंदर बदतमीजी कर रहे हैं। अर्शी खान बिग बॉस के सीजन 11 में पहुंचती है। ये लगातार 2 बार सेक्स रैकेट के अंदर फंस चुकी है, साथ ही ऐसे कई अनगिनत कारनामे हैं इस एक्टर के नाम से जुड़े हुए, जैसे कि पुणे और गोवा के अंदर सेक्स रैकेट के अंदर फंसना, 50 साल से अधिक उम्र के आदमी के साथ शादी करना और राधे माँ के ऊपर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगाना, शाहीन अफरीदी के साथ इंटिमिडेट होना, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिकेट मैच के लिए अपने कपड़े तक को भी उतार देना, भोजपुरी प्रोड्यूसर को भी थप्पड़ मार देना, और यह बात काफी आगे बढ़ चुकी थी तब इसी के निर्देशक के ऊपर आरोप लगा दिया गया। वह आए जैसे टच कर रहा था। एजाज खान 2013 के अंदर बिग बॉस के अंदर आया था। वो बिग बॉस का एक ऐसा व्यक्ति रहा जो लगातार 4 बार जेल जा चुका है और सबसे बड़ा बुली कहा जाता है। हाल ही के अंदर इसने कैरी मिनाटी को पकड़कर माफी मंगवाई थी। इसके साथ साथ ये पूर्व झा और हर्ष बेनीवाल से भी पंगा ले चुका है। यह आदमी अमिताभ बच्चन के साथ भी बदतमीजी कर चुका है, मॉडल ऐश्वर्या चौबे के साथ ये बदसलूकी और अश्लील इमेज भी भेज चुका है। दिसंबर 2020 में दबंग के डायरेक्टर ने यह बात बोली थी कि सलमान खान को उनके परिवार द्वारा उनको बुली किया गया था और उनके करियर को भी खत्म कर दिया था। अरिजीत सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट देखें, जिनमें वे लगातार यह बात कह रहे हैं कैसे वे लगातार सलमान खान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर वे लगातार कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे यानी कि सलमान खान से कितनी बार
लगातार माफी मांग चुका हूँ। आप यानी सलमान खान माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे गाने फिल्मों से मत निकालिए, मेरा करियर मत बर्बाद करें। यही कहानी रही है सोनू निगम की, विवेक ओबरॉय की, और इनमें बहुत सारे कलाकार भी आते हैं। AR रहमान भी इनमें से एक है। वीकेंड के अंदर एक बुली दूसरे बुली को समझाने आता है, तुमने इस बुली को काफी ज्यादा कम बुली किया। छूनेगा नहीं, आई एम लाइक दिस, छूनेगा नहीं। फिर बोलने देना, बोल तो बोल, चुप मुंह से बोल, जो भी बोल मैं बोल, मैं चुप। आप सब लोगों को बिग बॉस की असली सच्चाई जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।